दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जिस काम में कई दशक लग जाते थे वो अब सालों में या महीनों में ही हो जाता है। बनो अपने खुद के बॉस। नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो नहीं कहती कि आपका भविष्य आपके गुजरे कल के हिसाब से होगा। गुजरे कल को छोड़ो, अब आपको कैसी ट्रेनिंग दी जाए ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो। बाकी सारे एम्प्लॉयर बस ये सोचते हैं कि आपको जो ऑलरेडी आता है उसे कैसे निचोड़ के निकाला जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में ताकत है अमेरिका और पूरी दुनिया को बचाने की, क्योंकि ये लोगों को सिखाता है कि नौकर नहीं मालिक बने। दशकों से लोगों के मन में ये भ्रम है कि नौकरी एक सुरक्षित जगह है सारी जिंदगी काम करते रहने के लिए। हमारे देश के इतिहास में पहली बार हमारे बच्चे हमारे जितने सफल नहीं हो सकेंगे। मैंने दोस्तों की और खुद की नौकरी जाते देखी है, पगार कटते देखी है। लोग ज्यादा काम कर रहे हैं कम तनख्वाह में, उनके पास वक्त भी कम है और आजादी भी कम। वो लगातार दबाव में रहते हैं, ये उन पर थोपा गया है। तो भले ही आपका एम्प्लॉयर आपको पसंद करता हो, आपको निकाल सकता है। कुछ तो गलत हो रहा है अगर सोमवार की सुबह हार्ट अटैक के चांसेस 35% से बढ़ जाते हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जॉब सिक्योरिटी कम हो रही है। लगता नहीं कि पैसे कमाने के पुराने तरीके अब भरोसेमंद रहे हैं। हर काम को करने के अब बेहतर तरीके हैं, पर हम अब भी पुरानों में फंसे हैं। हम दुनिया के सबसे जबरदस्त देश में हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कंप्लेन करने में बुराई निकालने में लगे हुए। हर कोई जो पुरानी चीजों को लेकर रोता रहता है बेवकूफ है। यहाँ जो है इतनी अपॉर्चुनिटी उसे देखो। क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे काम के इर्द गिर्द ही चलती है। जिस तरह से हम पैसे कमाते हैं, बहुत से लोग अब ये सोच रहे हैं कि इसका कोई तो बेहतर तरीका होना ही चाहिए। दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि पैसे कैसे बनाए, बल्कि ये कि बेरोजगार लोगों का क्या करें। लोगों को डर है कि उनका डिसीजन गलत ना निकले, उन्हें डर है कि शायद उनके पास काबिलियत ना हो। इंडस्ट्रियल एज अब खत्म हो चुकी है, वो मर चुकी है, इसीलिए अब स्कूल जाना और नौकरी ढूंढना ये पुराना आइडिया है। पगार के लिए काम करना पुरानी बात है। जवाब की खोज आज हम सबको यहां एक साथ लाई है। मेरा नाम है एरिक वॉरी। पिछले 30 सालों से मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। संघर्ष करना पड़ा पर सफलता मिली। एक सफल लेखक, स्पीकर और बिजनेसमैन होते हुए मैंने अपने पूरे करियर में दुनिया भर में लाखों लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने में मदद की है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से हम पैसे कमाते हैं उसका बेहतर तरीका जरूर है। करियर बनाने के तरीके बदल चुके हैं, मगर बहुत से लोग अब भी पुराने तरीकों में फंसे हुए हैं। जो पिछली पीढ़ी के लिए सही था वो आज की पीढ़ी के लिए नहीं है। इस फिल्म में हम 3 अहम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। पहला, हमारे कामकाजी जीवन में असल में क्या हो रहा है। दूसरा, आज के हालातों में खुद का काम करना ज्यादा सही है या किसी और के लिए काम करना। तीसरा, अगर कोई खुद का काम शुरू करना चाहे तो कैसे कर सकता है बिना ज्यादा रिस्क के। इस काम में मदद करने के लिए मैंने आमंत्रित किए हैं कुछ सर्वश्रेष्ठ एक्सपर्ट्स और लीडर्स जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको सच्चाई बताएंगे। मेरा इरादा है आपको ऐसी नई जानकारी देना जो आपको पुराने आउटडेटेड मॉडल से हटकर सही चुनाव करने में मदद करेगी। शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कामकाजी जिंदगी में आज क्या चल रहा है। हमारी दुनिया देखते हैं, 30-40% काम नहीं कर रहे मगर कर सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार कहती है कि अगर 6 महीने तक आपको नौकरी नहीं मिली तो आप बेरोजगार नहीं हैं, आप लेबर फोर्स से निकाल दिए गए हैं। मैंने हमेशा कहा है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट तकनीकी उन्नति के कारण है तो ये आर्थिक विकास की पहली निशानी है। मान लीजिए 10 लोग एक आइलैंड पर रहते हैं, वो रोज समुद्र में जाकर मछली पकड़ते हैं। एक दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कोई उन्हें एक जाल लाकर दे देता है। अब एक इंसान बोट चलाता है और एक जाल बिछाता है, 2 मछुआरे वो पूरा काम कर लेते हैं जो 10 करते थे। ये उत्पादकता में 500% की बढ़ोतरी है, वो भी एक ही दिन में। ज्यादा सीखने की भी जरूरत नहीं, कांटे की जगह जाल फेंकना है बस। अब इस आइलैंड पे बड़ी प्रॉब्लम है, 80% बेरोजगारी, मगर आइलैंड के पास मछली कम नहीं हुई क्योंकि 2 लोगों ने 10 के बराबर मछली पकड़ ली। अब इतिहास देखें तो ऐसे बदलाव लाने में 1000 साल लग जाते थे। उस समय हम फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट, टीचर, डॉक्टर, लॉयर नहीं थे। ये सब नए प्रोफेशन हमने बनाए,
नई मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बनाई। आज ये बदलाव एक दिन में आ जाते हैं जब कोई तकनीकी उन्नति होती है, और हमारे पास इससे निपटने की तैयारी नहीं है, न ही बेरोजगार हुए लोगों को दोबारा ट्रेन करने की। सो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं काम के सिलसिले में पूरे देश में घूमता हूँ और पूरी दुनिया में भी, और मैंने देखा है कि जिस तरह से हम काम करते हैं और जिस तरह से हमें उसके पैसे मिलते हैं, ये तेजी से बदल रहा है। पूरी दुनिया में सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से। ये बहुत से जॉब्स खत्म कर रही है, और जो जॉब्स बचे हुए हैं उसके लिए काबिल लोग नहीं हमारे पास। बात यह है कि पब्लिक कंपनीज में जॉब्स कम से कम करके प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की बहुत ज्यादा डिमांड है। जॉब सिक्योरिटी एक वहम है, लेकिन हमें स्कूल में अभी भी यही सिखाया जाता है और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल सिस्टम में मिसिंग है, और लोगों को एम्प्लॉय बनना और सैलरी के लिए काम करना सिखाया जाता है। ये मिडिल क्लास के ऊपर चार्ट है। मिडिल क्लास लोगों में जो स्कूल जाते हैं उनकी इनकम साल दर साल कम होती जा रही, लेकिन पेरेंट्स फिर भी कहते हैं स्कूल जाओ जॉब करो। तो इन सारे मिडिल क्लास लोगों को जो चार्ट में नीचे होते जा रहे हैं, इन्हें कहा जाता है वर्किंग पुअर, यानी काम करने वाले गरीब। अब कहते हैं गरीबी कम हो रही है, हो सकता है, मगर काम करने वाले गरीब बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है लोग उतना नहीं कमा पा रहे जितना जीने के लिए जरूरी है। जो फाइनेंशियल प्रेशर या आर्थिक दबाव लोग आज महसूस कर रहे हैं, वो पहले के समय से मेरे ख्याल में आज कहीं ज्यादा है। अगर आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आगे का रास्ता बड़ा कठिन होने वाला है। आज अगर आपको अपना भविष्य नियंत्रण में रखना है तो 40-40 प्लान नहीं चलेगा, यानी कॉलेज पास करके जॉब लेकर 40 घंटे काम हर हफ्ते 40 सालों तक, वो दिन जा चुके हैं। किसी को समझाना चाहिए कि क्या चल रहा है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग वापस स्कूल जा रहे हैं क्योंकि सब सोचते हैं मैं स्कूल जाऊंगा तो अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन देखिए स्टूडेंट लोन के साथ क्या चल रहा है, वो हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं, $1 trillion से ज्यादा। और स्टूडेंट लोन क्रेडिट कार्ड के उधार से भी खतरनाक है। जब लोगों ने क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने उन्हें स्टूडेंट लोन में डुबा दिया। स्टूडेंट लोन के साथ प्रॉब्लम है कि ये कभी माफ नहीं किया जाता। क्रेडिट कार्ड में आप दिवाला घोषित कर दीजिए और पूरा उधार माफ, मगर स्टूडेंट लोन में आप दिवाला नहीं घोषित कर सकते, ये पटाना ही होगा। ये सबसे खराब उधार है। और ये चार्ट देखिए, कॉलेज ग्रेजुएट्स की कमाई के साथ क्या हो रहा है, ये कम हो रही है। तो आप कॉलेज जाते हैं, उधार लेते हैं, लेकिन कमाई कम होती जा रही है। अब ये कोई समझदारी का काम तो नहीं है। एक एवरेज सारी जिंदगी काम करने वाला अमेरिकन जिंदगी खत्म होने तक, यानी 65 साल तक सिर्फ 27 लाख के एसेट्स ही बना पाता है, मतलब सिर्फ उतना कि बस काम चल सके। मुझे खराब लगता है उस इंसान के बारे में जिसे काम पे जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, जिसे सोमवार सुबह से चिढ़ है, अलार्म क्लॉक से नफरत है, जिसे बुधवार आते ही थोड़ी सी खुशी होती है कि आधा हफ्ता निकल गया, और शुक्रवार को चैन की सांस लेता है, और वो बस हफ्ते के उन दो दिनों के इंतजार में रहता है जब वो खुद के लिए जीता है, अनचाहे लोगों से दूर, और उन्हें ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर, जब दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। वो इंसान जो 50 हफ्ते काम करता है साल में सिर्फ इसीलिए ताकि दो हफ्तों की घूमने फिरने की छुट्टी मिल सके, और आजकल तो वो घूमने फिरने भी नहीं जाते। उन्हें छुट्टी तो मिलती है पर वो घर पर ही रहते हैं, क्योंकि वो इतना काम करके थक जाते हैं, बिल्स चुकाने, ट्रैफिक में फंसे रहना, अलार्म क्लॉक पे जीना, जब तक काम नहीं होता उन्हें नींद नहीं आती। मुझे खराब लगता है क्योंकि इससे अच्छा तरीका है जीने का, बस उन्हें मालूम नहीं। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, हर कोई ऑफिस में अलग अलग पदों पर है, कोई बॉस, कोई जूनियर, मगर ये सब सेम है, एक पेपर पर चिपकाए फोटोज की तरह है, बस आज है कल नहीं, तो कोई खास फर्क नहीं इनकी जिंदगी में। वो बस एक लाश की तरह काम किए जा रहे हैं, ना खुशी ना काम करने का मजा, ज्यादा से ज्यादा बस अपनी क्यूबिकल को थोड़ा सजा लेते हैं, उससे थोड़ी तसल्ली मिल जाती है उन्हें कि लोग कुछ तो तारीफ करें। वो सारी जिंदगी चिंता में रहते हैं कहीं नौकरी न चली जाए,
कहीं कंपनी ना बंद हो जाए, इतने सारे बिल्स पे करने की चिंता, बच्चों को कॉलेज भेजने की चिंता, बहुत सारी बातों की चिंता लोगों को होती है। क्या होगा अगर मेरी कार बंद पड़ जाए, कैसे ठीक करेंगे, ये एक्स्ट्रा खर्चा कैसे मैनेज करेंगे। लोग चिंताओं में डूबे रहते हैं और ये उन्हें खाते रहती है। जब मंदी आई थी तो लोग क्या मांग रहे थे? नौकरी या ऑफिस में बैठने की जगह नहीं, वो काम मांग रहे थे, काम ढूंढ रहे थे वो। नौकरी बस एक नापने का तरीका है, काम के पीछे हम भाग रहे हैं। वक्त है आईने में देखकर बोलने का, ये देश की नहीं मेरी इकोनॉमी का सवाल है, मेरी छोटी सी दुनिया है जहां मैं रहता हूं, मुझे इसे सुधारना होगा। मैं देश की इकोनॉमी सुधरने तक का वेट नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बड़ी है। मैं हूं वॉल स्ट्रीट में, ब्रह्मांड का आर्थिक केंद्र, दुनिया की आर्थिक राजधानी। ये वो जगह है जहां दुनिया के ज्यादातर लोग पैसे लगाते हैं। बैंक में इंटरेस्ट रेट कुछ खास मिलता नहीं है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ऐसे ही रहने वाला है अगले 10, 20, 30 सालों के लिए। तो लोगों को लगता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है शेयर बाजार के अलावा अपना पैसा निवेश करने के लिए, यानी अपना भविष्य स्टॉक मार्केट वालों के हवाले कर देना और फिर आस पे जीना कि मार्केट ऊपर जाए, उनके स्टॉक्स की कीमत बढ़ जाए। ये एक तरीका है निवेश का, मगर मुझे लगता है कि अगर आप अपना भविष्य खुद बनाएं, यानी अपनी मेहनत से खुद कमाने की कोशिश करें, तो अपने आप पर निवेश करने में ज्यादा समझदारी है। अपना भविष्य खुद कंट्रोल करें बजाय इसके कि अपनी मेहनत से जमा किया हुआ पैसा इनके हाथ में दे देना। अमेरिका में एक फैमिली की एवरेज कमाई होती है सालाना $50,000 या $33,00,000। इन्हें मिडिल क्लास कहा जाता है। टॉप 25% में पहुंचने के लिए कम से कम $90,000 या $60,00,000 होने चाहिए। टॉप 10% में पहुंचने के लिए $1,40,000 या $93,00,000। टॉप 5% $1,90,000 या $1,25,00,000 और टॉप 1% के लिए $3,80,000 या $2,50,000 की सालाना फैमिली इनकम। तो सवाल यह है, ऊपर उठने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? टॉप 10%, टॉप 5%, टॉप 1% या उससे भी आगे बढ़ने का? और मेरे हिसाब से और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से जवाब है, खुद का व्यवसाय, बनो अपने खुद के बॉस। आपको खुद का बिजनेस करना ही होगा। मैं किसी को नौकरी करने की सलाह सिर्फ तभी देता हूं जब वो चोट खाए हुए हों, जब कोई अंदर से हार चुका हो। मैं सिर्फ तभी उन्हें यह सलाह देता हूं। और ये बहुत दुख की बात है जब आप किसी को आत्मविश्वास नहीं दिला सकते कि सब ठीक हो जाएगा। किसी को नौकरी करने की सलाह देना, यकीन मानिए, इसमें कोई भलाई वाली बात नहीं है। आजकल लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल बन गया है। अगर लोग खुद का बिजनेस कर रहे हो, भले ही घर से काम कर रहे हो, वाव। मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ, काश मैं ऐसा कर सकता। एंटरप्रेन्योर होने का मतलब है आप में दम है रिस्क लेने का। कोई रोक नहीं सकता आपको। आप देख सकते हैं कि आप आज कहाँ हैं और कहाँ होना चाहते हैं, ना कि जो मिल गया उसी में जीवन निकाल दिया। देखिए, बड़े एंटरप्रेन्योर्स को उनके सपने बड़े हैं। वो आज वो सब करने को तैयार हैं जो दूसरे नहीं करेंगे, ताकि कल वो ऐसे जी सके जैसे दूसरे नहीं जी सकेंगे। ये आज की इकोनॉमी या पहले की इकोनॉमी कुछ नहीं होता। मैं अपनी इकोनॉमी खुद बनाता हूँ। एंटरप्रेन्योर खुद कंट्रोल करता है। वो खुद तय करता है कि उसकी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए। बिजनेस की दुनिया में कोई लिमिट नहीं होती। जितना चाहो बनाओ। आप पर निर्भर करता है कि आप कितना काम करना चाहते हैं और कैसी टीम तैयार करते हैं। दुनिया में सबसे अच्छा बिजनेस है आपका अपना खुद का बिजनेस। आज की दुनिया में जब कोई भी कुछ भी बन सकता है, तो क्यों लोग अपनी आजादी छोड़कर औरों के गुलाम बन जाते हैं? सुबह 9 बजे ऑफिस आओ, 6 बजे जाओ और जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा करो। अगर आप खुद का काम करना चाहें तो कुछ आम विकल्प हैं, मगर जितना आपको लगता है उससे ज्यादा रिस्क है उसमें। किसी भी रिटेल बिजनेस में दुकान खड़ी करना बहुत महंगा है। सिंपल आइसक्रीम की दुकान लगाना जहां अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम मशीन से निकल कर आ रही हो, 20, 30, 40 लाख से कम की लागत नहीं है। मुझे एक डोनट स्टोर खोलने का मन है, मगर उसके लिए कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए। इतने एक्स्ट्रा पैसे किसके पास हैं? ज्यादातर लोग 2-3 बार रिस्क लेते हैं और सब गंवा भी देते हैं। बड़े लोग भी, जैसे रिचर्ड ब्रांसन, मैं उनका बड़ा फैन हूँ।
लेकिन उनकी भी आधी कंपनियां पैसे नहीं बनाती। आप लाखों बनाए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, करोड़ों बनाए और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अब आप और हम तो जानते ही हैं, जितने ज्यादा पैसे हम बनाएंगे जिम्मेदारी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो खुद का काम करना चाहते हैं, 70% लोग ऐसा कहते हैं एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक, मगर उन्हें पता नहीं कि करना क्या है। तो क्या करें? एक तरीका है, किसी का बिजनेस खरीद लो, मगर सोचना यह पड़ेगा कि वो बेच क्यों रहा है। या तो बड़ा हार्ड बिजनेस होगा, या जितना सोचा था उतने पैसे नहीं बना रहा होगा। दूसरा तरीका है फ्रेंचाइज ले लीजिए, रिस्क कम, प्रोवन बिजनेस, लेकिन यह महंगा होता है। तीसरा तरीका है खुद का कुछ नया शुरू करें, और यहीं पे लोग डर जाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, प्रोडक्ट आइडिया नहीं है, काबिलियत नहीं है, और मैं अपनी फैमिली को रिस्क में डालकर नहीं कर सकता। तो चौथा विकल्प है इन्वेस्टर बनिए, काफी लोग करते हैं इस शहर में, लेकिन उसके लिए भी बहुत सोच समझ कर करना होगा, राइट? वेंचर कैपिटलिस्ट जो एक्सपर्ट होते हैं नए बिजनेस ढूंढकर उनमें इन्वेस्ट करने में, वो भी 11 में से सिर्फ एक में ही पैसे बना पाते हैं, बाकी 10 कुछ खास रिटर्न नहीं देते, ज्यादातर फेल हो जाते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स 15 में से एक में कमाते हैं। बिजनेस एक टीम गेम है, मेरे पास अकाउंटेंट्स होने चाहिए, इंजीनियर्स होने चाहिए, सिस्टम डिजाइनर्स होने चाहिए, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एडमिशंस टीम, लीगल टीम होनी चाहिए। एक एवरेज इंसान में और मुझमें भी इतनी काबिलियत नहीं कि मैं इन सबको एक साथ ला सकूं। कुल मिला के चारों ट्रेडिशनल बिजनेस ऑप्शंस में पैसे चाहिए बहुत सारे, काबिलियत चाहिए और टाइम चाहिए। ये सब मिलकर हो जाते हैं बहुत ज्यादा रिस्क ज्यादातर लोगों के लिए। मैंने किसी से बिजनेस खरीदा और बहुत काम करना पड़ा उस पर, तो मुझे लगा मैंने आखिर क्या खरीदा, सिर्फ आपका ईमेल आईडी और बहुत ज्यादा पैसे दिए उसके लिए। जो लोग खुद का बिजनेस शुरू करते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा, टाइम और एफर्ट लगाते हैं सिर्फ शुरू करने के लिए, और जितना ज्यादा पैसा आपने लगाया उतना ज्यादा काम भी करना पड़ता है। आप जानते हैं रेस्टोरेंट्स का सक्सेस रेट क्या है? कितना है? करीब 90% फेल हो जाते हैं। 90%? कितने टाइम में? एक साल से कम में। मैं फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रही, वो अलग ही खेल है जी। हमारे स्टूडेंट्स को फ्रेंचाइज नहीं मिलती, बहुत सारे पैसे डालने होंगे, और मैकडोनल्ड्स जैसी फ्रेंचाइज के लिए पहले कंपनी के कोई साथ चांस नहीं है उनके लिए, काम करना पड़ता है सब सीखने के लिए। मान लो अगर ऐसा तरीका हो कि आपको सब कुछ तैयार मिले बना बनाया, और मालिक भी आप खुद ही हो, दोनों मिले, तो कैसा होगा? बोलने का मतलब आपको जीरो से नहीं बनाना पड़ा, आपको बड़ा लीडर भी होने की जरूरत नहीं, नया प्रोडक्ट भी नहीं बनाना पड़ा, ऑलरेडी कामयाब प्रोडक्ट मिला, सिस्टम भी तैयार, ट्रेनिंग भी सेट, सब कुछ मिला सिवाय एम्प्लॉयर या मालिक के, बस यही नहीं मिला। आपको लगता है कि ऐसे माहौल में ज्यादा से ज्यादा लोग खुद के लिए काम करना चाहेंगे? पैसे कमाने के और बेहतर तरीकों की हमारी खोज में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना एक एम्प्लॉई बनने से ज्यादा सेफ है, और खुद का बिजनेस करने के सारे ऑप्शंस में एक रास्ता बार बार सामने आया सभी एक्सपर्ट्स के हिसाब से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा क्योंकि ये नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस है, और ये मॉडल है लोगों को खुद का बिजनेस स्टार्ट करके एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के जरिए। कुछ लोग इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं क्योंकि सामान सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक जाता है बिचौलियों को हटाकर। कुछ लोग इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या MLM कहते हैं क्योंकि इसमें कई लेवल्स पर कमीशन दी जाती है, पर सबसे ज्यादा इसे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से बुलाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स की मदद से एक प्रोडक्ट या सर्विस को ज्यादा कुशलता से बेचा जाता है। मैं और मेरे दोस्त हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफदारी करते हैं क्योंकि ये वाकई में एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस स्कूल है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस स्कूल से निकलकर नौकरी ढूंढने लगते हैं। ये बेवकूफी है।
मैं नेटवर्क मार्केटिंग में यूं घुसूंगा। ये ऑलरेडी नहीं होता तो हमें इसका आविष्कार करना चाहिए, इतना अच्छा है। मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का बहुत अच्छा तरीका है। इसमें घुसना बहुत आसान है, आप खुद का काम कर रहे हैं एक एंटरप्रेन्योर बनकर। जब हमें अरबपति बिजनेसमैन दिखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज शुरू करते हुए, जब हम महान लेखक और उद्योगपतियों को नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ करते हुए सुनते हैं, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये एक जबरदस्त इंडस्ट्री है। ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज कई करोड़ों कई अरबों की कंपनियां बन गई हैं, स्टॉक मार्केट लीड करती हैं, ये मेजर कंपनीज बन गई हैं। आप स्कूल जाते हैं नौकरी पाने के लिए, लेकिन अगर आप रईस बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर बनिए, और नेटवर्क मार्केटिंग आपको सही माहौल देता है इसके लिए। एक ट्रेडिशनल कंपनी अपने रेवेन्यू का 50% मार्केटिंग पे खर्चा करती है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का तरीका अलग है। इतना सारा खर्चा मार्केटिंग पे करने के बजाय वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज करती हैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए। अब वो ऐसा क्यों करती हैं? पहला, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग ट्रेडिशनल मीडिया एडवर्टाइजिंग से कहीं ज्यादा असरदार है। दूसरा, कुछ प्रोडक्ट्स को समझाने की जरूरत पड़ती है और एक इंडिपेंडेंट सेल्समैन ये ज्यादा अच्छे से कर सकता है बजाय एक एड के। तीसरा, ये बहुत किफायती है क्योंकि कंपनी को मार्केटिंग के पैसे तभी देने होते हैं जब बिक्री होती है, उसके पहले नहीं। सोचिए अगर Amazon आपको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनने देता और कमाई का 40% आपके डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप को देता, आपको केवल प्रोडक्ट रेकमेंड करने हैं, कस्टमर Amazon से खरीदेगा, सब कुछ Amazon ही हैंडल करेगा और आपको सिर्फ कस्टमर लाने के पैसे मिल जाएंगे। अब सोचिए अगर आपको पैसे मिले हर बार जब वो कस्टमर सामान खरीदता है अपनी पूरी जिंदगी में। वेल, Amazon ये ऑप्शन नहीं देता, मगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज देती हैं। हमारी सोसाइटी में 85% खरीदारी वर्ड ऑफ माउथ की वजह से होती है या नाम की वजह से। हम एक दूसरे को चीजें सारा समय रेकमेंड करते हैं। आपका डेंटिस्ट कौन है, डॉक्टर कौन है, लॉयर कौन है, कौन सा डिटर्जेंट आप यूज करते हैं। हम एक दूसरे से हर उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसे हम बहुत पसंद करते हैं। जब आप किसी बड़ी दुकान पर जाते हैं तो क्लर्क आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देता, प्रोडक्ट डिटेल देना तो दूर की बात है। तो जब किसी दोस्त या पड़ोसी या रिश्तेदार या एक अजनबी से ही जिसको भी उस प्रोडक्ट को यूज करने का एक्सपीरियंस हो, जब प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो वो बहुत मायने रखता है। किसी भी तरह की मार्केटिंग से नेटवर्क मार्केटिंग कंज्यूमर को ज्यादा अच्छे से सिखा समझा सकती है। ये एडवर्टाइजिंग से ज्यादा असरदार है क्योंकि एडवर्टाइजिंग में बस थोड़ी सी जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, तो इसमें सब नहीं पता चलता। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग से आगे है। अगर आप एक सेल्स कंपनी है और आपको $1 million के प्रोडक्ट बेचने हैं, आपको 100 सुपरस्टार सेल्समैन ढूंढने होंगे और हर एक को $10,000 की सेल करनी होगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन नंबर्स को बदल देता है। इसमें एक प्रोडक्ट को पसंद करने वाले 10,000 खुश कस्टमर्स होते हैं। अब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि इंडिविजुअली कोई कितना भी बेचे। अगर सिर्फ $100-200 भी महीने का बेचा तो महीने की $1-2 million की सेल हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग समझाने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। ये कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ दुकान बनाने में पैसे वेस्ट नहीं होते, यहाँ माल पड़े पड़े वेस्ट नहीं होता, यहाँ बिना कस्टमर्स वाले एम्प्लॉयज नहीं होते, यहाँ लोग सीधा कस्टमर से जुड़ जाते हैं। ये कंपनियां बहुत कम कीमत पर लोगों को इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका देती हैं, बिना किसी समय या सेल्स टारगेट के। ये आपका खुद का बिजनेस है तो कम या ज्यादा जितना आप चाहें उतना सेल्स कर सकते हैं। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को खुद का बिजनेस होने के सारे फायदे मिलते हैं बिना रिस्क के। नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा है कि इसमें घुसना आसान है, रिस्क कम है और शुरू करने का खर्चा भी कम। बाकी हर काम में रिस्क बहुत ज्यादा है। कम से कम इन्वेस्टमेंट में ये शुरू हो जाता है, बना बनाया सिस्टम मिल जाता है, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो मौका देता है आम जनता को इसमें जुड़ने का। ये मौका देता है एक आम इंसान को जिसके पास खुद का काम शुरू करने के साधन ना हो। तो ये सब समझना तो सीधी सी बात हुई, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का एक और फायदा है और यही फायदा इसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। नेटवर्क मार्केटिंग मौका देता है एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनाने का
और फिर उन्हें पैसे मिलते हैं पूरे ग्रुप द्वारा की गई सेल्स के। डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक समझना बहुत सिंपल है। ये एक प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री है एक कस्टमर को वन ऑन वन फेस टू फेस तरीके से, बिल्कुल जैसे अभी हम बैठकर बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक जरूरी बात भी है, इस सेल के साथ आती है एक अपॉर्चुनिटी, मौका खुद अपना काम शुरू कर पाने का। आप सोसाइटी के किसी भी वर्ग से हो, कोई भी भाषा बोलते हो, देखिए कितने सारे सिंपल लोग इतने सक्सेसफुल बन रहे हैं। इसकी वजह से ये दुनिया के लिए कितना जबरदस्त गिफ्ट है। बजाय इसके कि किसी कंपनी में प्रमोशन होते होते ऊपर जाएं और प्रूव कर पाएं कि आप सेल्स मैनेजर के काबिल हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सबको सेल्स मैनेजर माना जाता है, हर कोई अपनी सेल्स टीम बना सकता है पहले दिन से। इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ग्रोथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है, यानी 1 का 2 और 2 का 4, तो अब सेल्स टीम बहुत जल्दी बढ़ती है क्योंकि हर कोई अपनी टीम बना रहा है। जिन्हें अजीब लगता है कि मैं सेल्स टीम बना रहा हूँ, आप एक नौकरी में और क्या करते हैं, आपकी कंपनी कैसे काम करती है? डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के हिसाब से अगर दुनिया की सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को जोड़ दिया जाए तो वो $178 बिलियन या ₹12,460 अरब की सालाना रिटेल सेल करते हैं। आइए समझते हैं कि ये कितना बड़ा होता है। नेशनल फुटबॉल लीग साल के $9 बिलियन या ₹630 अरब बनाती है। म्यूजिक इंडस्ट्री साल के $16 बिलियन या ₹1,120 अरब और मूवी इंडस्ट्री साल के $80 बिलियन या ₹5,600 अरब। एवरेज निकाला जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज 178 बिलियन का करीब 40% कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती हैं, यानी साल के $71 बिलियन यानी महीने के $6 बिलियन यानी $200 मिलियन या 1400 करोड़ हर दिन की कमीशन। मतलब ये काम कर रहा है और लोग बहुत पैसे बना रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पिछले 10-15-20 सालों में उभर कर आई है और ज्यादा लोग अब इसमें शामिल हो रहे हैं, मार्केट में ज्यादा फैल रही है और इसीलिए मार्केट में लोग अब समझने लगे हैं कि हम कौन और क्या हैं। आजकल बाकी कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की तरफ देखकर सोच रही हैं कि ये कुछ तो है, लोग पैसे बना रहे हैं, कंपनी मुनाफा बना रही है, लोगों में काम करने का जोश है, प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच रहा है, शायद हमें भी ये करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है केवल ऊपर के लोग पैसा बनाते हैं। आइए ये भी देख लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में करीब 500 लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो $1 मिलियन या ₹7 करोड़ से ज्यादा सालाना कमाते हैं। अगर इसे $2 मिलियन कर दिया जाए तो होता है $1 बिलियन साल का, यानी साल के 71 बिलियन में से 1 बिलियन गया, बचा 70 बिलियन। तो बाकी का पैसा कहां जाता है? ये जाता है बाकी सारे पार्ट टाइम लोगों को जो कुछ $100 से लेकर महीने के $1,000 तक बनाते हैं। ये जाता है उन लोगों को जो इसे फुल टाइम करियर बनाते हैं और इससे भी ज्यादा कमाते हैं। हर दिन लोग नेटवर्क मार्केटिंग से कमाए हुए पैसों से अपने लोन चुका रहे हैं, मजे कर रहे हैं और अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। मैं जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले को जानता हूँ 50 के दशक से ऐसा कर रहे हैं। वो काम पे जाते हैं जब उनका मन होता है, वो काम बंद कर देते हैं जब वो अपने बच्चों के साथ समय निकाल कर घूमने जाना चाहते हैं, उन्हें स्कूल छोड़कर आते हैं, जब वो घर जाते हैं तब काम वापस शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है वो ये कि लोग ज्यादा खुश हो गए हैं जिंदगी में। MLM ने सबसे ज्यादा देशों में सबसे ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाया है और मैंने उनसे बात की है, 67 कंट्रीज में किसी भी दूसरे बिजनेस के मुकाबले 0 से करोड़पति। अगर आपके पास चॉइस है 10 साल जॉब करने की या 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का रिजल्ट बेहतर होगा। बहुत सारे लोग इसको अपना फुल टाइम करियर बना रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा रहा है जिसको भी मैं जानता हूँ उसके लिए, क्योंकि उन्होंने इस पे सीरियसली काम किया और बहुत सफलता हासिल की। एक के बाद एक बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सुनी हैं और उनके खरीदे सामान भी देखे हैं जो इस बिजनेस से उन्होंने लिए हैं। कितने लोग इस बिजनेस में हैं? करीब 16 मिलियन अमेरिकन और 96 मिलियन यानी 9 करोड़ 60 लाख लोग पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक उसमें से 82% लोग इस बिजनेस से खुश या बहुत खुश हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग उन्हें जम गया है। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को बड़े ध्यान से देखा है।
और समझने की कोशिश की कि क्यों लोग इसको लेकर इतने कंफ्यूज हैं कि ये बिजनेस है या नहीं। एक बात है, लोग पिरामिड से डर जाते हैं, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये तो वही पिरामिड स्कीम है। बाहर बहुत सारे लोग हैं जो इसे नापसंद करते हैं, उन्हें इसकी समझ नहीं और उनको लगता है कि ये गेट रिच क्विक स्कीम है, ये पिरामिड है। हर कॉर्पोरेट कंपनी एक पिरामिड होती है, सबसे नीचे हजारों MBAs काम करते हैं। आप फोर्ड या कोका कोला के साथ काम करते हैं, अगर ये सारे MBAs अगर टॉप पर पहुंचना चाहते हैं तो ये एक पिरामिड है। सिर्फ एक आदमी वहां पहुंचेगा हर 10 साल में एक। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग को देखिए, वो ऐसा है, आप यहाँ हैं और आपके पीछे और CEOs आते जाते हैं, तो ये एक उल्टा पिरामिड है। नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, अगर आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, काम के अनुसार पैसा। कोई भी कभी भी पैसा कमा सकता है, इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, यानी खर्चा ज्यादा तो कमाई ज्यादा, ऐसा नहीं है, जितना काम उतना पैसा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी या कॉम्पनसेशन प्लान का क्या शेप है, पिरामिड हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या कुछ भी हो, अगर पैसे सिर्फ लोगों को जोड़ने से बन रहे हैं तो कुछ गलत है। लेकिन अगर कंपनी से जुड़े लोग पैसे कमा रहे हैं सेल्स होने के कारण, भले ही वो सेल लोगों को जोड़ने की वजह से हुई हो, तो आप बिल्कुल सही कंपनी हैं, बिल्कुल लीगल हैं और यही सच्चाई है। एक और प्रॉब्लम जो पहले होती थी, अब ये प्रॉब्लम नहीं होती, कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों के पास प्रोडक्ट्स का भंडार होता था जो वो नहीं बेच पाते थे और नुकसान उन्हें सहना पड़ता था। उनके घर में, किचन में सामान पड़े रहता था जो वो या तो नहीं बेच पाते थे या नहीं बेचना चाहते थे, और वो प्रोडक्ट उनके पास ही पड़ा रह जाता था और वो नाराज हो जाते थे। पहले ऐसा होता था कि आप 25,000 का सामान एक साथ ले लें तो डिस्काउंट मिलता था या कमीशन ज्यादा मिलती थी। आजकल सब कंप्यूटर पे हो जाता है, वेयरहाउस से सामान जाता है, आपको घर पर जमा करने की जरूरत नहीं। अब पेपरलेस काम हो गया है, सब ऑनलाइन होता है, बैक ऑफिस सब हैंडल करता है, आपका काम काफी कम हो गया है, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। तीसरा प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं बनाते। अब इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की, $200 मिलियन या 1400 करोड़ रुपए हर दिन नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते हैं सारी दुनिया में मिलाकर। जो लोग कहते हैं कि ये नहीं चलता, उन्हें पता नहीं कि इसे कैसे चलाना है, तो वो सिर्फ अपनी राय देते हैं। ऐसे लोगों की राय को एक्सपर्ट्स के ज्ञान से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि राय फ्री में मिल जाती है। वो गलत राह नहीं दिखाना चाहते, मगर अनजाने में गलत को सच मान लेते हैं। मगर नेटवर्क मार्केटिंग का सच ये है, ज्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं सिर्फ कस्टमर बनते हैं, और वो जुड़ते हैं ताकि कम कीमत पर सामान खरीद सकें। जैसे एक सुपरमार्केट देखिए, अगर एक इंसान यहां की मेंबरशिप लेता है ताकि सामान खरीदने पर उसे डिस्काउंट मिले, तो इसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि उसे सामान मिला कम दाम पर और वो खुश है। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात होती है तो लोग कहते हैं कि उन्हें देखो, वो तो सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, पैसे तो नहीं कमा रहे, तो वो बेवकूफ है। बिल्कुल नहीं, वो एक खुश कस्टमर है, और ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा हैं। अब इसमें से कुछ लोग इसे बिजनेस की तरह चलाना चाहते हैं, वो पैसे बनाने लगते हैं, 1-1.5 लाख महीने के कमाने लगते हैं। ज्यादा लोग ऐसे ही हैं, और इसमें से भी कुछ इस पे पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जिसमें जबरदस्त काम होता रहे, और ये लोग बहुत पैसे बनाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। एक इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्र का एक्सपर्ट होने के नाते जब मैं बाकी इंडस्ट्रीज की तरह इस इंडस्ट्री को भी देखता हूँ, तो 1% इसमें बहुत कामयाब होते हैं, 10% थोड़े बहुत पैसे बनाते हैं, लेकिन रिस्क और मेहनत भी कम है, ठीक है, और 90% लोग सिर्फ कस्टमर्स होते हैं। एक चीज जो सही है, जब बात होती है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को और इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कभी कभी वो प्रोडक्ट या कमाई को लेकर अवास्तविक वादे कर जाते हैं। ज्यादातर लोग जो शुरू करते हैं वो पैसे कमाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, मगर उनके पास स्किल नहीं है, उन्हें पता नहीं है कैसे करना है,
और जब नए बिजनेस को करना ना आता हो तो लोग डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि हर किसी से जिससे वो बात करें उसे साइन अप करना ही है, और अगर सामने वाला कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो वो बौखला जाते हैं। नहीं, क्या हुआ, हमें साथ में करना है, तूने ना कैसे बोला? फिर वो जबरदस्ती कन्विंस करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं प्रोडक्ट के बारे में, जो शायद सही भी ना हो। ओ, तुम इतने पैसे कमा सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब नीचे अपने आप होगा, तो आप बिल्कुल गलत तरीके से इस बिजनेस को समझाते हैं और लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कामयाब होने के लिए सबको साइन अप करना ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। एक बहुत जरूरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स से आपको अवास्तविक वादे करने की जरूरत नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई है, इसमें बहुत मेहनत है, हार्ड वर्क है, अपने आप को बदलना होगा। दूसरे बिजनेस की तरह ये भी एक बिजनेस है, इसमें कुछ वक्त लगेगा मगर ये ज्यादा अच्छा है। 5 साल पहले के मुकाबले जो लोग ये बिजनेस आज शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये और भी आसान है। आज इसे ज्यादा लोग समझ पा रहे हैं और अपनाने को तैयार हैं, एक बिजनेस की तरह, एक एंटरप्रेन्योर की तरह। हमारी सोच किसी चीज के मूल्यांकन पर निर्भर करती, तो अब मूल्यांकन बदलेगा तो सोच भी अपने आप बदल जाएगी। इंडस्ट्री अब बहुत बड़ी हो चुकी है, ये बिल्कुल बदल चुकी है। आज की पीढ़ी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, उन्हें नेटवर्क समझता है, उन्हें समझता है कैसे लोग टेक्नोलॉजी से आपस में जुड़े हैं, और उन्हें समझता है कैसे पैसा इन नेटवर्क्स में बनता है। तो जब वो नेटवर्क मार्केटिंग देखते हैं, उनका नजरिया उनके पेरेंट्स से अलग होता है। हमने जो देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में, पहले जो गलतियां इस इंडस्ट्री में हुई हैं वो पहचानी जा चुकी हैं और सुधारी जा चुकी हैं। पहले की गणित जो काम नहीं करती थी वो अब ठीक की जा चुकी है। जब कंप्यूटर प्रोग्राम बनते हैं तो उसको चलाया जाता है और फिर गलतियां साफ की जाती हैं। MLM में भी ऐसे ही गलतियां साफ की जा चुकी हैं। आज इंटरनेट का जमाना है, आज के जमाने में बिजनेस मोबाइल फोन पर ही हो जाता है, तो बताओ और क्या चाहिए। कंपनीज और समझदार हो गई हैं, वो हर तरीके से सुरक्षित बन रही हैं, नियमों का पालन कर रही हैं, प्रोडक्ट पर ज्यादा रिसर्च कर रही हैं। अगर आप जुड़ते हैं और अपनी मर्जी से प्रोडक्ट्स खरीद कर रखते हैं बेचने के लिए, और अगर आपको बिजनेस बंद करना है तो कंपनी आपसे वो प्रोडक्ट्स वापस खरीद लेगी, और कोई बिजनेस इस तरह की सुरक्षा नहीं देता, और कंपनी अपनी मर्जी से ये करती है, कोई बाहरी दबाव की वजह से नहीं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए और पैसे कमाने के लिए, तो इन 4 चीजों का ध्यान जरूर रखें। पहला, क्या यहां प्रोडक्ट या सर्विस है? अगर है तो 5 चीजें देखें। पहला, क्या आपको वो पसंद है? क्या आप दूसरों को इसके बारे में बताना चाहेंगे? दूसरा, क्या इसकी मार्केट में जरूरत है? अगर जरूरत बनानी पड़े तो ये मुश्किल होगा। तीसरा, क्या प्रोडक्ट इस जरूरत को पूरा करता है? कंज्यूमर्स को इसका फायदा होगा? चौथा, क्या इसका भाव बराबर है मार्केट में बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले? और पांचवा, क्या इसमें मुनाफा होगा? कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मार्जिन है या नहीं, ताकि लंबे समय तक मुनाफा हो? अगर इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं, तो अगली चीज देखनी होगी, कंपनी। क्या यह सही चल रही है? क्या मैनेजमेंट पे आपको भरोसा है? क्या उनके पास काबिलियत है इसे आगे लेकर जाने की? प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर मैनेजमेंट सही नहीं तो गड़बड़ है। अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो वक्त के साथ बदलाव ला सकता है, मुसीबत के वक्त आपको बचा सकता है। सही मैनेजमेंट वाली कंपनी चुने जो आपको लंबे समय तक काम आ सके। तीसरी चीज देखनी होगी, कॉम्पनसेशन प्लान, और उसमें 3 जरूरी चीजें। पहली, एक बिल्कुल नया साइन अप क्या जल्दी ही पैसे बना पाएगा? उसकी कोई भी वजह हो, मगर क्या आप सोच सकते हैं ये पहला चेक भले ही छोटे अमाउंट का हो उस नए साइन अप का कितना मनोबल बढ़ाएगा? आपकी पूरी टीम सफलता की ओर बढ़ेगी। दूसरा, एक IR की ठीक ठाक पार्ट टाइम इनकम शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, और जैसे जैसे नेटवर्क और सेल्स बढ़े और फायदे मिलने चाहिए। तीसरा, जो लोग इसे एकदम सीरियसली करना चाहते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा दम लगा देना चाहते हैं, उनकी अच्छी खासी फुल टाइम इनकम की संभावना होनी चाहिए, अगर वो हार्ड वर्क करें और सीखने को तैयार हों।
अगर आप प्रोडक्ट, कंपनी और कॉम्पनसेशन प्लान से खुश हैं तो आखिरी चीज आपको देखनी होगी सपोर्ट, जो आपको दिया जाएगा। क्या कंपनी के पास वेबसाइट है? क्या आप बिजनेस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं? क्या अच्छी ट्रेनिंग उपलब्ध है? क्या इवेंट्स होते हैं आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद करने के लिए? कैसा सपोर्ट सिस्टम है? यह बहुत जरूरी है। कौन सी कंपनी चुनना है यह आपके ऊपर है, लेकिन इन चारों को परखना, प्रोडक्ट, कंपनी, कॉम्पनसेशन प्लान और सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। क्या कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, बिना मेहनत के पैसे कमा लेंगे, तो कुछ गड़बड़ है। क्या कंपनी के पास प्रोडक्ट है जो आपको सही लगता है, जो बेचा जा सकता है, या जो आपको प्लान दिखा रहा है वो कह रहा है कि प्रोडक्ट को छोड़ो, वो मायने नहीं रखता, तुम्हें तो बस दूसरे लोग जोड़ने हैं, ये खतरनाक है। ऐसा दिखे तो सोचें, दोबारा सोचें। कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स और बिजनेस को समझें, थोड़ी सक्सेस हासिल करें और देखें कि अपॉर्चुनिटी आपको कहां ले जा रही है। पता लगाइए वो मेरी ट्रेनिंग, मेरी एजुकेशन, मेरी डेवलपमेंट के बारे में कितना सोचते हैं, क्या मुझे यहाँ सीखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ सीखिए जिस पे आप विश्वास करते हैं, इंडस्ट्री के बारे में सब सीखिए और बिजनेस चलाइए। जो भी आपकी कंपनी कर रही है उस पे आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। मैं पहले अंदर घुसने के बाद परखूंगा प्रोडक्ट को, कंपनी को, लोगों को, और फिर करूंगा, और सब सही लगा तो पूरा दम लगा दूंगा इसमें। यह है लिंकन मेमोरियल। यही वो जगह है जहां मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने फेमस आई हैव अ ड्रीम स्पीच दी थी, और उस स्पीच में उन्होंने अपने सपने की बात की थी कि दुनिया में हर किसी की समानता हो। ये एक महान सपना है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये याद करना चाहिए कि कैसा था जब वो बच्चे थे, जब आंखों में सपने जिंदा थे, इससे पहले कि उन्हें मार दिया दुनिया की सच्चाई ने, नौकरी ने, जिम्मेदारियों ने, इस बोझ तले जीने में कि हर महीने बिल्स भरने हैं। लोगों को वापस बचपन में जाने की जरूरत है, अपने सपनों के करीब। एक बार उन्हें पता चल जाए कि जिंदगी जीने का और भी अच्छा तरीका है तो उनका भविष्य और सुनहरा हो सकता है। तो अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरी तरफ से कुछ सलाह है आपके लिए। पहला, नेटवर्क मार्केटिंग परफेक्ट नहीं है, यह भावनात्मक है, चैलेंजिंग है, किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह। इसमें अच्छे दिन और बुरे दिन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है खुद का काम करने का तो यह बाकी सबसे अच्छा है। दूसरा, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो पूरा दिल लगाकर कीजिए, इसमें चैंपियन बनिए, बजाय इसके कि आप इसे बस टाइम पास के तरीके से करें। तीसरा, हर नए काम की तरह इसे भी आपको सीखना होगा, मगर मेरा वादा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर की बातें, इन्हें सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। चौथा, इसे पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसा मत सोचिए कि आज शुरू किया और कल मैक्स आउट और रिटायरमेंट। और पांचवा, इसे जरूर करना चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी खुद बना सकें, ताकि आप अपनी आर्थिक स्थिति खुद सुधार सकें, ताकि आप अप्लायंस जैसे मस्त लोगों के साथ काम कर सकें, ताकि आप जबरदस्त चीजें देख सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, ताकि आप अच्छी चीजों के लिए योगदान दे सकें, लोगों की जिंदगी छू सकें, उन्हें उम्मीद दे सकें। जो दोस्त इस सफर में आप बनाएंगे, मेरा वादा है वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेंगे। याद रखिए, ज्यादातर लोग आप ही की तरह खोज में लगे हैं, मगर नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। अगर आप ये जानना समझना चाहते हैं, अगर भावनात्मक तरीके से देखें तो ये सुनने में बड़ा मस्त लगता है, मगर ऐसा नहीं है, एक चुनौती है। ज्यादातर लोग इसे अब भी समझते नहीं है, तो अनजान लोगों की वजह से आपके सम्मान को थोड़ी ठेस पहुंच सकती है, जिन्हें इसके बारे में पता नहीं। अगर आप इसे संभाल सकते हैं तो आप सफल हो जाएंगे, अगर नहीं तो कोई भी बिजनेस शायद आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप इस चुनौती का सामना कर सकें तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है उन्हें ये सोचना चाहिए, आप एक जॉब में हैं, आपके ऊपर कर्जा है, ईएमआई है, घर का, गाड़ी का, ये एक जेल से कम नहीं है। आप उतना ही हार्ड वर्क करते हैं कि आपकी नौकरी न चले जाए और वो बस इतने पैसे देते हैं कि आप छोड़ के ना जाएं।
मैं भी अपनी जिंदगी में ये कर चुका हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप फेल होते हैं तो ये सिर्फ एक होमवर्क लेसन की तरह है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आपके बहाने नहीं चलेंगे, अगर आप असफल हैं, कोई नहीं सुनना चाहता जब इतना सब अवेलेबल है। आपको अच्छा नेटवर्कर बनना है तो अपने ऊपर के लोगों से सीखिए, जो एक लेवल पे हैं वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं और नीचे वालों को सिखाते हैं। कोई भी पूरा एक्सपर्ट नहीं है। जिन लोगों को दूसरों से पूछने में डर नहीं लगता प्लान दिखाने के लिए, और फॉलो अप भी बिंदास करते हैं बिना डरे कि सामने वाला मना न कर दे, फ्यूचर उनका ही है। कुछ नहीं होगा जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, तो आपको काम करना होगा, अपनी जगह से हिलना होगा, वरना जिंदगी नहीं बदलेगी। शुरुआत में आप बहुत सारा काम करेंगे जिसके पैसे नहीं बनेंगे, मगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको उस काम के भी पैसे मिलेंगे जो आपने नहीं किया। और आपका काम है बाकियों को भी एंटरप्रेन्योर बनना सिखाना। समाज का भला कीजिए, या तो आप इसे पूरे दिल से कीजिए या मत कीजिए। ये कभी अंदर कभी बाहर वाला काम ऐसा मत कीजिए। अच्छे सपने भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन सबसे बुरा सपना है अंदर की आवाज को ना सुन पाना। इस प्रोफेशन में आप बहुत जबरदस्त बढ़त देखने वाले हैं। बहुत सही समय है ये नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने का, और अगले 10 सालों में ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। आने वाले समय में लोग ये नहीं पूछेंगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं क्या, वो पूछेंगे कौन सी नेटवर्किंग कंपनी के साथ आप अपना मार्केट बिल्ड कर रहे हैं। हम यहाँ लोगों के साथ रिश्ते जोड़ना चाहते हैं, दुनिया को बेहतर जगह बनाना चाहते हैं, और असली सफलता होती है एक एंटरप्रेन्योर की जब किसी को कुछ सिखाया जाए और उसे ऊपर उठते हुए देखे। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे दूसरों के सपने पूरे करने के लिए नहीं, खुद के सपनों के लिए जिए। अपनी पूरी क्षमता के साथ जिए, अधूरी नहीं। क्या खुद का काम करना मुश्किल हो सकता है? बिल्कुल, मगर बदले में क्या मिलता है? अपने हाथों से बनाई जिंदगी, अपने तरीके की जिंदगी, अपने सपनों की जिंदगी। ये गुब्बारा आपके सपनों का प्रतीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रतीक है। मेरी आप सबके लिए मनोकामना है कि आप इसे हासिल करें, अपने सपनों को पूरा करें। चुनाव आपको करना है।